पर पहुंच गई है। और राज्य में अब तक कोरोना से दो लोगों की मौत भी हो गई है। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ कारण माना जा रहा है स्थिति से? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज जो पिछले 24 घंटे में निकल करके सामने आए हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोरोना काल का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आंकड़ा निकल करके कल सामने आया है। और इन जो आंकड़े हैं, जो 93 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, इसमें ज्यादातर श्रमिक है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो जिन जिन जिलों से पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उसमें से ज्यादातर इनके भी बड़ी संख्या है जो कम्युनिटी स्तर पर है, जिनकी किसी प्रकार की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, जो कहीं गए नहीं है, जो अपने ही जिलों पर रहते थे। लेकिन जिला प्रशासन इस बात की अब जानकारी जुटाने में लग गया है कि आखिर ये कोरोना से संक्रमित हुए कैसे। अगर मैं बात करूं राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में भी पिछले 24 घंटे में करीबन 6 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसमें से केवल एक की ट्रेवल हिस्ट्री बताई जा रही है और बाकी जो 5 थे वो यहीं के लोकल कम्युनिटी स्तर के लोग थे। अब जिला प्रशासन इस बात पर लग गया है कि यहाँ 5 आखिर लोगों को कैसे कोरोना संक्रमित हुए ये लोग। अब मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 5 अलग अलग एरियो पे राजधानी रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उसके बाद से जिला प्रशासन एकदम सख्त मोड पर नजर आ गया है। सभी जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन में सील बंद कर दिया गया है। उसके साथ ही जो संक्रमित मरीज है उनके संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं, इनकी जानकारी जुटाने में स्वास्थ्य अमला लग गया है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजर के छिड़काव किए जा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला आंकड़ा कल निकल करके सामने आया है और ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय पर मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। शिवम, जब प्रवासी मजदूरों को वापस लाना था छत्तीसगढ़ में, तो हमने खुद अपने चैनल पे ही दिखाया था कि तमाम नेता किस तरह के वादे कर रहे थे कि इंतजाम सारे कर लिए गए हैं, रेलवे स्टेशन हो या फिर ट्रेन में हो। अब जिस तरह से प्रवासी मजदूर जो कि बाहर से अपने राज्य लौटे हैं, वो लगातार इस तरह की खबरें आ रही कि कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और इनका कोरोना पॉजिटिव पाना उन सारी व्यवस्थाओं पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल, देखिए आपकी भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से हमारे राज्य आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं, इन्हें लेकर के जो राज्य सरकार तैयारी थी वो तैयारी पूरी हो चुकी है ना। राज्य सरकार अलर्ट मोड पर भी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी 2 दिनों पहले ही सभी जिला प्रशासन के कलेक्टरों को आदेश दिया है कि 10 जून तक हर जिलों पर COVID-19 अस्पताल बनने चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिनों पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात कही है कि ये बयान दिया है कि ये जो जितने मरीज हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ पे, ये अपेक्षित थे, लेकिन इससे ज्यादा अब संख्या बढ़ेगी, तो ये थोड़ा खतरा है इस बात का। और इसे लेकर के अब सख्ती मोड पर नजर आ रहे हैं, अलर्ट हो चुकी है सरकार भी, अलर्ट हो चुकी है जिला प्रशासन भी, अलर्ट हो चुका है इस बात को लेकर के। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से 10 जून तक सभी जिलों में COVID-19 अस्पताल बनाने के निर्देश दिए जिला कलेक्टरों को, उसके बाद जितने क्वारंटाइन सेंटर है, सभी क्वारंटाइन सेंटर में थर्मल स्क्रीनिंग करनी है, सभी वहां पे जो मजदूर हैं उनकी तेजी से अब जांच की जाएगी। इसके बाद जितनी जिला है, जो भी जिले हैं छत्तीसगढ़ में, 28 जिले, और राजधानी रायपुर की भी बात करें तो यहाँ पर भी प्रत्येक घरों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से यहाँ पर भी सभी घरों में थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी लोगों की। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसको रोकथाम करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अब जरूरत है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन खोल दिया गया है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में अब बाहर निकल रहे हैं अपने काम से, तो लोगों बिल्कुल को शिवम, अगर कोरोना बढ़ता है किसी राज्य में तो उसके लिए जनता ही खास तौर पर जिम्मेदार देखी जा सकती है, क्योंकि कोरोना को बढ़ाना है या कंट्रोल करना है ये जनता के ही हाथ में। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रदेश में फिर आंदोलन।